अस्सलाम वालेकुम हबीब हुसैन YouTube चैनल पर एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस इलेक्शन में कौन जीतेगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इसके हवाले से एक सर्वे रिपोर्ट पहले भी एक वीडियो में पेश की थी जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में तमाम सर्वे और मौजूदा सियासी सूरतेहाल को मद्देनजर रखते हुए प्रेडिक्शन की जाएगी और आप इलेक्शन के बाद भी देख लेना, मेरी रिपोर्ट और इलेक्शन के नतीजे में 19-20 का ही फर्क होगा। सबसे पहले सुबह पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब का फैसला लाहौर करता है और लाहौर का फैसला वो सीट करती है जहां से पहले नवाज शरीफ और फिर कुलसुम नवाज ने कामयाबी हासिल की, जो अब NA 125 बन चुका है। पहले ये NA 120 था। इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगी और अच्छे खासे मार्जिन से जीतती हुई वो नजर आ रही हैं। पिछली बार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस हलके में इलेक्शन हारने के बाद लोगों के घरों में जा जाकर उनका शुक्रिया अदा किया, तभी लाहौर के इलेक्शन की हवा बदल गई थी। उस वक्त लाहौर के आवाम ने डॉक्टर साहिबा से माफिया मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई है, अगली दफा आप कोई जितवाएंगे। यही सीट लाहौर का फैसला करती है और लाहौर से नून लीग 4 से 5 सीट ही जीत सकती है। इससे ज्यादा सीटें जीतना नून लीग के लिए इतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ का दोबारा वजीर आजम बनना। और अगर PTI की मकबूलियत मजीद बढ़ी तो सीटें इससे कम भी मिल सकती हैं। पंजाब का अगला वज़ीर आज़म तहरीके इंसाफ की तरफ से होगा। नून लीग का सियासत में हमेशा के लिए सफाया हो गया है। शहबाज शरीफ अब वज़ीर आला सिर्फ दिन के वक्त आंखें खोलकर ख्वाब देकर ही बन सकते हैं। इमरान खान को फैसला करना होगा कि वो पंजाब में वज़ीर आला किसको बनाते हैं। पंजाब के लोग इस बार इमरान खान को इसलिए जितवा रहे हैं कि चलो इमरान खान को आजमा के देख लेते हैं, इसलिए पंजाब का वज़ीर आज़म तगड़ा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान को प्लेट में रखकर मिलेगा। इमरान खान के पास काफी ऑप्शन होंगे और परवेज खटक को वज़ीर आला बनने के चांसेस ना होने के बराबर है और बेहतर यही होगा कि उनको ना ही वज़ीर आला बनाया जाए। सिंध में शुरू में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन जरदारी फरियाल तालपुर को मनी लॉन्ड्रिंग केस के बायस नायली का खतरा भी है और अगर PP के ज्यादा सियासतदान नायल हुए तो बाद में हालात तब्दील हो सकते हैं। PSP, MQM, GDA, आजाद उम्मीदवार और PTI पीपल्स पार्टी के चंद लोगों से मिलकर एक नया वज़ीर आला बना सकती है और PP के ज्यादा सियासतदानों की नायली पर गवर्नर राज भी लग सकता है। जरदारी की गिरफ्तारी के बाद सिंध में काफी कुछ तब्दील होकर रह जाएगा। अब आते हैं रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान से कोई भी अक्सरियत में नहीं जीतेगा, वहाँ सबकी हुकूमत होगी। अब आते हैं सीटों की तरफ। इमरान खान 110 से 115 सीटें जीत सकता है और अगर अच्छी आवाज चली तो ये सीटें 120 तक भी जा सके। इनिशियल स्टेज पर हुकूमत बनाने के लिए PTI को 137 सीटें चाहिए और फिर मुस्तफा कमाल, MQM, आजाद उम्मीदवार और बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग की तोड़फोड़ की वजह से PTI में शामिल होकर इमरान खान को वजीर आजम बनाएंगे। इमरान खान इस बार पक्का वजीर आजम है, चाहे नून लीग उल्टी लड़के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाकी अल्लाह ने जो चाहा वही होगा। इमरान खान की मरकज में हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी 32 से 35 सीटें और नून लीग 40 के करीब सीटें लेगी, तो PTI की मकबूलियत और इमरान खान का नजरिया आकर सब पर गालिब आ ही जाएगा और इमरान खान इंशाल्लाह पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का तजिया इलेक्शन के हवाले से। उम्मीद की जाती है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।